Hello children, welcome to ASA Education. Aaj hum kar rahe chapter A House is Not a Home. Movements book, grade 9 se. Ye jo story hai, ye hume bata rahi hai ki jo teenager hote hain, wo kaise kaise challenges usko face karte hain, kaisi kaisi pareshaniyan unko bade hone mein aati hain. Aur jo hamare author hain, wo kis tarah se in problems se apne aap ko nikal pate hain. Apni story shuru karte hain. Author kehte hain, mera jo high school ka pehla saal tha, वो बहुत अजीब था। जूनियर हाई को जब मैंने छोड़ा, उस टाइम पे मैं बिल्कुल सीनियर लेवल पर आ चुका था, यानी कि सबसे हाई क्लास में था। और अब एक उस स्कूल को छोड़कर, उस लेवल को छोड़कर एक नए स्कूल में जाना और वहाँ बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना थोड़ा मेरे लिए अजीब था। ये जो नया स्कूल था, ये मेरे पुराने स्कूल से दुगना बड़ा था। और यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी मेरे को क्या हो रही थी कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स थे, वो सब अलग अलग स्कूल में चले गए थे। इस वजह से मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। मैं अपने पुराने टीचर्स को इतना मिस कर रहा था कि मेरा मन था कि मैं वापस चला जाऊं और उनसे जाकर मिल लूं। वहां वो मेरे को प्रोत्साहित करेंगे कि मैं अपने नए स्कूल की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूं, ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूं। वो मेरे सबको बताते हैं कि जब ऐसा एक समय आएगा जब मैं अच्छे से एडजस्ट हो जाऊंगा और शायद मैं अपने नए स्कूल को अपने पुराने स्कूल से कहीं ज्यादा लाइक करूंगा। वो मेरे को प्रॉमिस करवाते हैं कि जब भी उनका मन करे, मेरा मन हो, मैं जो हूँ उनके पास समय समय पर आकर मिल सकता हूँ। मुझे समझ में आ रहा था कि वो किस तरह से ये बात को कह रहे हैं, लेकिन मेरे को इसमें बस सिर्फ थोड़ी सी ही तसल्ली मिली और कुछ नहीं। एक संडे आफ्टरनून की बात है, बहुत टाइम नहीं हुआ था हाई स्कूल को शुरू हुए, मैं अपने डाइनिंग रूम के जो घर पे टेबल थी वहां पर बैठ के अपना होमवर्क कर रहा था। ठंड का मौसम था, हवा तेज चल रही थी और इसी वजह से जो फायर प्लेस थी वहां पर आग जल रही थी। मेरी जो रेड टैबी कैट थी वो मेरे पेपर्स के ऊपर लेटी हुई थी। टैबी कैट का मतलब होता है जो फर वाली डोमेस्टिक कैट होती है, वैसी वाली जो है उसकी कैट थी। और वो जो है अपने पैरों के बीच में जैसे होता है रगड़ रगड़ के आवाज कर रही थी, कभी वो जो है उसके पेन को इधर उधर हिट कर रही थी अपने मनोरंजन के लिए। वो मेरे से कभी दूर नहीं रहती थी। मैंने उसकी जान बचाई थी जब वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, और कहीं वो भी ये बात जानती थी कि मैं ही जो हूँ जिम्मेदार हूँ उसको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। मेरी मदर जो थी वो फायर को लगातार जला रही थी, मतलब जैसे कभी कोयला डाल देते हैं ताकि वो आग जलती रहे और उससे जो घर है वो अच्छा और गर्म बना रहे। तभी मुझे कुछ अजीब सी स्मेल सी आई और मैंने क्या देखा कि जो धुआं है वो हमारी जो सीलिंग छत है उससे अंदर आ रहा है। वो जो स्मोक थी अब उसने कमरे को इतना ज्यादा भर दिया था, इतनी तेजी से भर दिया कि हम कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे हुआ, हम लोगों ने एकदम से जो है जो फ्रंट डोर था उसकी तरफ भागे और सबके सब जो है जो सामने का यार्ड था वहां पर पहुंच गए। इतनी देर में मैं जब बाहर आया, मैंने जो पूरा जो छत थी हमारी वो आग से भर चुकी थी, यानी कि उसमें आग लग चुकी थी और बहुत तेजी से वो आग फैल रही थी। मैं जल्दी से भाग के पड़ोसियों के घर गया ताकि फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सकूं। इतने बीच में मैंने देखा कि मेरी मदर जो है वो भाग के घर के अंदर गई है। मेरी मदर जो है एकदम से भागती हुई बाहर आई, उनके हाथ में एक छोटा सा मेटल का बॉक्स था जिसमें काफी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। उन्होंने जल्दी से जो है वो जो बॉक्स था उसे लॉन में फेंका और फिर बदहवासी हालत में दोबारा घर के अंदर चली गई। मुझे पता था कि वो किसके लिए जा रही है। मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी जब मैं बहुत यंग था और मैं पूरी तरह से जानता था कि वो जो है उनकी जो पिक्चर्स हैं, उनके जो लेटर्स हैं, उनको आग के हवाले नहीं कर सकती। ये सिर्फ वही चीजें थी जो उनके लिए एक मेमोरीज के तौर पर थी। लेकिन तब भी मैंने जोर से चिल्ला के कहा, नहीं माँ अंदर मत जाओ। मैं जो हूँ बस उसकी माँ के पीछे जो है दौड़ के अंदर ही जाने वाला था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे को पीछे से किसी बड़े से हाथ से रोक लिया है। वो फायरमैन था। मैंने इतनी देर में ये भी नहीं नोटिस किया कि जो पूरी सड़क है वो पीछे फायर ट्रक से भर चुकी थी। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, उसकी जो पकड़ थी, चिल्ला रहा था कि तुम समझ नहीं रहे हो मेरी माँ अंदर है। तो उसने जो है मेरे को रोक कर कहा और क्या कहते हैं, जो बाकी फायर फाइटर्स थे वो भाग के घर के अंदर गए। वो जानते थे कि मैं जो हूँ सही तरीके से एक्ट नहीं कर रहा हूँ और अगर उन्होंने मेरे को जाने दिया तो मैं सीधे भाग कर अंदर जाऊंगा। ये बात बिल्कुल सही थी। तो फायर फाइटर ने कहा कि चिंता मत करो, वो लोग जो है तुम्हारी माँ को लेकर बाहर आ जाएंगे। उन्होंने मेरे को एक ब्लैंकेट से कवर किया और मेरे को जो है अपनी कार में बिठा दिया।
थोड़ी देर में वो जो फायरमैन थे वो मेरे घर के बाहर आए और मेरी मदर भी उनके साथ थी। उन्होंने जल्दी से उनको जो है ट्रक में ले गए और उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। मैं भाग के अपनी माँ के पास गया और उनको जोर से हग किया। उस समय जो भी मैं उनसे बहस करता था, जो भी उनसे मेरे को नफरत हो रही थी, वो सब गायब हो गई थी, क्योंकि मेरे को डर ये था कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूं। तो फायरमैन ने उनसे कहा, नहीं चिंता मत करो, वो ठीक है। वो उनने जो है जो स्मोक थी उसे थोड़ा सा ज्यादा इनहेल कर लिया है, मतलब उनके अंदर चली गई ये स्मोक ज्यादा, इस वजह से ऐसी उनकी कंडीशन हो गई है। और फिर वो जो फायर फाइटर था वो भाग के जो है फायर के पास चले गए उसको बुझाने के लिए, जबकि मैं और मेरी मदर जो है बैठ के वो जो हो रहा था सामने उसको देख रहे थे। मैं देख रहा हूँ, मेरे को याद है कि किस तरह से मेरी आंखों के सामने हमारा घर जल रहा था और कुछ भी हम लोग जो है नहीं कर सकते थे। 5 घंटे के बाद जो है आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी, हमारा जो घर था वो पूरी तरह से जल चुका था। पर तभी मुझे ख्याल आया, मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा, मेरी बिल्ली कहाँ थी। मेरे को इतना ज्यादा डर लग गया कि मेरे को वो जो बिल्ली थी वो कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। उस वक्त मेरे दिमाग में जैसे एक ही चीज चल रही थी, मेरा नया स्कूल, मेरी घर में आग लग गई है, मेरी बिल्ली। इतना ज्यादा मुझे इन चीजों को सोच के एकदम से दुख आया कि मेरी आंखों में से आंसू छलक आए और मैं रोता ही जा रहा था, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस था, एक बहुत बड़ा समय था। इस समय हम जो है एक काफी भारी नुकसान से गुजर रहे थे। जो फायरमैन थे उन्होंने हमको जो है उस रात घर के अंदर नहीं जाने दिया, अभी भी काफी खतरा हो सकता था। अब चाहे बिल्ली जिंदा थी या मर गई, मैं ये नहीं सोच सकता था कि मैं उसके बगैर जो हूँ कि ये पता जब तक मेरे को निकल जाता कि मेरी बिल्ली के साथ क्या हुआ, मैं वहां से जाने को तैयार नहीं था। लेकिन तब भी मेरे को जाना पड़ा। हम लोग कार में बैठे, अपने जो कपड़े थे वो हमारे पीछे थे और कुछ जो फायरमैन के ब्लैंकेट थे वो सब जो है कार में थी। और फिर हमको जो है हमारे ग्रैंड पेरेंट के घर पे पहुंचा दिया गया ताकि हम रात में वहां अपनी रात गुजार सके। अगले दिन जो मंडे को मैं स्कूल गया, जिस समय आग लगी थी मैं उस समय वही ड्रेस पहने हुआ था जो मैं चर्च पहन के गया था सुबह के समय, लेकिन मेरे पास कोई शूज नहीं थे क्योंकि जब मैं होमवर्क कर रहा था तब मैंने अपने जूते उतार दिए थे और वो भी जो है एक तरह से आग के हवाले हो गए थे। तो मेरे को जो टेनिस शूज होते हैं वो अपनी आंट से बोरो करने पड़े थे। मैं क्यों नहीं जो है घर में रह सकता स्कूल के बजाय। मेरी माँ ने जो है ये सब कुछ नहीं सुना था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा जो है अजीब सा हो रहा था सब चीजों को देख के। जो कपड़े में पहना हुआ था वो बहुत खराब हो रहे थे, ना मेरे पास किताबें थी, ना मैंने होमवर्क किया था, जो मेरा बैकपैक था वो भी जा चुका था। जैसे मेरी पूरी जिंदगी जो थी वो बैकपैक में थी। जितना मैं अपने आप को उसमें फिट करने की कोशिश कर रहा था उतना ही और बुरा होता जा रहा था। अब एक मिस हैपनिंग हो गई थी, तो इस वजह से जैसे एक होता है ना कि इंसान के मन में गलत बातें जो है वो आने लग जाती हैं, तो वो यही सोचने लगे होते हैं कि क्या मेरी किस्मत में अब ऐसा ही है कि मैं इतना रिजेक्टेड सा रहूंगा और बिल्कुल पूरी लाइफ मेरी जो है बिल्कुल ऐसे ही बिना फैशन के, बिना इन कपड़ों के ऐसे ही निकलेगी। उस टाइम पे उनको वैसा ही महसूस हो रहा था, ना वो अब बड़ा होना चाह रहे थे, ना वो जो है लाइफ को चेंज करना चाह रहे थे या लाइफ को हैंडल करना चाह रहे थे कि अगर वो इस तरीके से ही लाइफ चलनी है, तो उनको जो है किसी चीज की इच्छा नहीं थी। बस वो ये चाहते थे कि मैं जो हूँ एक अपने आप में ही सिमट जाऊं और खत्म हो जाऊं। मैं जो हूँ स्कूल में ऐसे घूम रहा था जैसे मानो एक ज़ॉम्बी होता है। सब चीजें मेरे को बहुत अनयूजुअल सी लग रही थी और मुझे खुद नहीं पता था कि क्या होने वाला है। जो भी मेरे को अपने लिए एक जैसे सुरक्षित में महसूस करता था, जो भी चीजें मैं जानता था, मेरे पुराना स्कूल था, मेरे दोस्त थे, मेरा घर था, मेरी बिल्ली थी, सब कुछ जो है मुझसे छिन गए थे। जब मैं उस घर के पास से गुजरा स्कूल के बाद, जो कभी मेरा एक घर हुआ करता था, मैंने जैसे बड़ा मेरे को शॉक सा लगा कि कितनी वहां पर जो है डैमेज हो चुका था और जो कुछ भी बच गया होगा जलने में वो जो है सारा का सारा पानी और केमिकल्स जो उस आग को बुझाने के लिए डाले गए थे उससे सब बर्बाद हो गया था। बस कुछ चीजें जो थी जो नहीं खराब हुई थी वो फोटो एल्बम्स थी, डॉक्यूमेंट्स थी और कुछ और पर्सनल आइटम्स थे जो मेरी मदर जो है कैसे तैसे ब्रेवली बचा के बाहर ले आई थी। लेकिन मेरी बिल्ली जा चुकी थी और मेरा दिल जो है उस चीज को सोचकर बहुत ज्यादा दुखी था। पर अब दुखी होने का समय नहीं था। मेरी माँ जो है उन्होंने मेरे को घर से बाहर निकाला,
हमें कोई एक ऐसा जगह ढूंढनी थी जहाँ पर हम रह सके और अब नए कपड़े खरीद सके स्कूल के लिए। हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे उधार लेने पड़े क्योंकि कोई क्रेडिट कार्ड नहीं बचा था, कैश नहीं था और ना कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन बची थी जिससे हम बैंक से पैसे निकाल सके। सब कुछ जो है धुएं के हवाले हो गया था और जो कुछ भी मलबा पड़ा था हमारे घर का, जो कभी हमारा घर हुआ करता था, उस हफ्ते जो है उसको भी काफी हद तक वहां से क्लियर कर दिया गया था। हमने पास में ही जो है एक अपार्टमेंट जो है रेंट पे ले लिया था, लेकिन तब भी जब भी मैं वहां से जाता था तो जो भी वहां पर मलबा पड़ा था उसको हटाया जा रहा था, मैं उसको देखता रहता था कि कहीं मेरे को मेरी कैट जो है शायद मिल जाए। वो जा चुकी थी। मैं हमेशा जो हूँ उस छोटे से बच्चे के बारे में बिल्ली के सोचता रहता था। होता है ना, अपना जानवर जब पेट आप पालते हो तो उससे बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, तो उसको बहुत अजीब लग रहा था। जो ऑथर है उसने कहा, हर सुबह मैं उसको परेशान करता था, जब मैं बेड से बाहर निकलता था तो वो भी मेरे पीछे पीछे साथ में चल देती थी, मेरे जो रोब होता था उसको पकड़ के मेरी पॉकेट के अंदर घुस जाती थी और सो जाती थी। मैं उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। और एक होता है ना कि जो गलत बात होती है वो बहुत तेजी से फैलती है, तो जो मेरा केस था वो भी इससे कुछ अलग नहीं था। हर कोई हाई स्कूल में, यहाँ तक कि जो टीचर्स जो हैं, उनको भी मेरी अवस्था के बारे में पता था। और मैं जो हूँ इतना ज्यादा अपने आप को एम्बेरस फील कर रहा था, जैसे मानो मैं ही इन चीजों के लिए जिम्मेदार हूँ। अब यही होता है ना कि एक नए स्कूल में इस तरह का स्टार्ट बहुत अजीब लगता है, और मैं इस तरह की अटेंशन जो है अपने लिए नहीं चाह रहा था। अगले दिन स्कूल में लोग जो है पहले से ज्यादा स्ट्रेंज एक्ट कर रहे थे। मैं जो हूँ जिम क्लास के लिए जो है रेडी हो रहा था, अपने लॉकर के पास था, तभी जो लोग थे वो मेरे पास आ गए और मेरे से कहा कि जल्दी जल्दी करो। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन क्योंकि अभी कुछ ही हफ्ते पहले ऐसा कुछ नहीं था जिससे मेरे को कुछ अलग लगे या मैं थोड़ा सा सरप्राइज सा फील करूं, ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो मेरे को जो है जिम में धक्का देकर ले जा रहे हो। फिर मैंने वो जो वहां देखा वो क्या था, एक बहुत बड़ी टेबल थी जिसपे हर तरह की चीजें रखी हुई थी सिर्फ मेरे लिए। उन्होंने जो है एक बहुत कलेक्शन किया था, सारी स्कूल की जितनी सप्लाईज हैं, नोटबुक्स हैं, अलग अलग तरीके के क्लोथ्स थे जिसमें जीन्स, टॉप्स, जो स्वेट सूट्स होते हैं, ये सब चीजें जो है उसको रखी हुई थी। बिल्कुल क्रिसमस के जैसे लग रहा था। मैं जो हूँ भावुकता में जो है बहुत ज्यादा, एक तरह से था ना भाव विभोर हो गया। जिन लोगों ने मुझसे आज से पहले कभी बात नहीं करी थी वो मेरे पास आ आके अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। हर कोई जो है अपने घर के लिए मेरे को इनवाइट कर रहा था। जो उनका कंसर्न था, जो उनका एक मेरे प्रति एक चिंता थी, उससे वाकई मेरे वो दिल को छू गई। उस समय जो है मेरे को एक ऐसी राहत की सांस महसूस हुई और पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि जो चीजें हैं वो सही हो जाएंगी। उस दिन पहली बार मेरे फ्रेंड्स बने। एक महीने बाद मैं जो हूँ अपने घर के को देख रहा था, दोबारा उसको बनाया जा रहा था, लेकिन इस समय कुछ अलग था। मैं अकेला नहीं था, मेरे दो नए दोस्त थे स्कूल के। कह सकते हैं एक आग ने मेरे को जो है जो मेरी एक इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग्स थी कि मैं जो हूँ जो मेरे आसपास के लोग हैं उनके पास या उनके अलोंग जो हूँ पूरी तरह से खुल नहीं पा रहा था, वो जो चीज थी उस आग की वजह से मैं जो हूँ उनसे ज्यादा जुड़ पाया। अब मैं जो वहीं बैठ के अपने घर को बनता हुआ देख रहा था और ऐसा एहसास सा हो रहा था कि जैसे मानो मेरी जो लाइफ है वो सेम काम कर रही है। जब मैं वहां पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सा बैठा हुआ था, अपने नए बेडरूम के बारे में प्लान कर रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे से आया और उसने मुझसे आकर कहा, क्या ये तुम्हारी है? जब मैंने पीछे मुड़ा तो देखा कौन था, मेरी को आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। एक लेडी जो है वो खड़ी हुई थी और उनके हाथों में मेरी कैट थी। मैं इतनी जोर से उठा और जो है तो अपनी जिसे होते है ना कैट को देखते ही उसने वुमेन की आर्म से उनको ले लिया और कैट को जो है कस के पकड़ लिया। मैं उसको अपने पास लेके आया और खूब जोर जोर से जो है रोने लग गया। जो बिल्ली थी वो भी बहुत खुश हो गई। मेरे फ्रेंड्स जो है वो मेरे को हग कर रहे थे, मेरी कैट को हग कर रहे थे और खूब उछल रहे थे खुश होके। जो हुआ क्या था, उस समय जब आग लगी तो जो मेरी कैट थी वो इतना ज्यादा घबरा गई आग से कि वो मीलों दूर भाग गई थी। उसके कॉलर पे जो है हमारा फोन नंबर लिखा था, लेकिन क्योंकि हमारे फोन्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, डिस्कनेक्ट हो चुके थे, और ये जो वुमेन थी
ये जो है उसको अपने घर ले गई और काफी कोशिश करी कि ये पता कर सके कैट किसकी है। हाँ, ये उसको जरूर एहसास हो गया था कि ये जो कैट है इसको काफी ज्यादा प्यार किया जाता है और जिसकी भी ये कैट है उसको वो लोग बहुत मिस कर रहे होंगे। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पर बैठा हुआ था, मेरी कैट जो है मेरे लैप में जैसे होते ना मुड़ कर बैठ गई। जितनी भी फीलिंग्स थी लॉस की, ट्रेजेडी की, ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो सब खत्म हो गई है। अब मेरे को अपनी जिंदगी जो है वो अच्छी लगने लगी थी। मेरे नए दोस्त जो स्ट्रेंजर थी उनकी वो जो दयापूर्ण उन्होंने कैट वापस करी और जो मेरी कैट थी उसकी जो आवाज थी वो सब, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जो जिंदगी है वो वापस आ गई है। मेरी कैट वापस आ गई थी और मैं भी जो हूँ अपनी लाइफ में वापस आ गया था। तो ये थी हमारी स्टोरी, आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।